राज्यसभा सांसद और कांग्रेस नेता विवेक तन्खा के 10 करोड़ के मानहानि के नोटिस के मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ जबलपुर की सेशन कोर्ट में क्रिमिनल कंप्लेंट केस दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने विवेक तन्खा पर आरोप लगाया था कि विवेक तन्खा के कारण ही ओबीसी के रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे हुआ है। बीजेपी के इसी आरोप के जवाब में विवेक तन्खा ने तीनों के खिलाफ 10 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा था, जिसमें विवेक तन्खा ने शर्त रखी थी कि या तो बीजेपी इस मामले में उनसे माफी मांगे वरना वह 10 करोड़ उनको मानहानि के रूप में दे। लेकिन नोटिस के इतने दिनों बाद भी ना तो वे इस मामले की माफी मांगी गई और ना ही मानहानि की रकम दी गई, लिहाजा विवेक तन्खा की तरफ से सेशन कोर्ट में कंप्लेंट केस दर्ज कराया गया है। दरअसल पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर 17 दिसंबर को विवेक तन्खा जिरह करने के लिए पहुंचे हुए थे। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया था कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी की सीटों को स्टे करके उन्हें जनरल में कन्वर्ट किया जाए या फिर उन सीटों पर अलग से चुनाव कराया जाए। जो दो याचिकाएं लगी थी जिसमें माननीय विवेक तन्खा जी पैरवी कर रहे थे, वो दो याचिकाएं परिसीमन और रोटेशन को लेकर थी। उनको ओबीसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं था, ना याचिकाओं में ओबीसी को लेकर कोई तथ्य था, ना ही बहस में कोई तथ्य आया, यानी ना माननीय